Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, in this video you will get a complete presentations of JEE Advanced Maths PYQ 2021 from the chapter Definite Integral. Definite Integral से जितना questions आया था सारे questions का presentations है in this video में आपको मिलेगा. ये सारे questions को तब तक practice करते रहना चाहिए जब तक आप perfect नहीं बन जा रहे हो. Practice till you perfect and perfect practice makes you perfect. Remember it. Questions है 2021 JEE Advanced. So let GI is this and f of this be a function such that g1x is 1, g2x is this, fx is sin square x. Define as I is equal to so this is si. So this for then 16h1 by pi क्या होगा. So यहीं पे g1 g2 fx and fx लिख लिया. ठीक है, अभी si is equal to this तो s1 का वैल्यू क्या होगा, i का जगह पे 1 लिखो तो g1 तो 1 हो गया तो a sin square x. अब ये दोनों को ऐड करो pi by 2 देगा. So x का जगह पे pi by 2 लिखो cos square x. ये दोनों को ऐड करो twice s1 is equal to तो ये 1 हो जाएगा ना. So that is pi by 4 s1 equal to pi by 8. अभी इस पे put कर दो 16s1 by pi equal to this. So that is 2 is the answer. ऐसा ही अमेजिंग सॉल्यूशंस के लिए आज का जो क्वेश्चन है 2021 कंप्रीहेंशन का सेकेंड पार्ट. लेट जी आई इज दिस, एफ इज दिस, g1x is 1, g2x is this, fx is this, si equal to this, then 48s2 by pi square, s2 is equal to this. यहीं पे g2 है ना इसलिए दिस. अभी x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखो तुम्हें ये फंक्शंस मिल रहे हैं. दोनों को ऐड किया सो दिस, इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दिया ये वैल्यू मिला है. इस पे s2 का जगह पे वैल्यू लिख दिया सो दैट इज यू हैव गॉट 32 है. यहीं पे इस क्वेश्चंस में यहीं पे थोड़ा ट्रिक है, ये ट्रिक को समझने का कोशिश करो. क्लियर, इस पे जब x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे फंक्शंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो यू कैन राइट ए इंटीग्रेशंस को ए दोनों का मीन वैल्यू पे ब्रेक कर दोगे एंड यहीं पे ट्वाइस लिखोगे. नाउ आज का जो क्वेश्चन है 2021 JEE Advanced में है. फॉर एनी रियल नंबर x let this is greatest integer function i is equal to this then 9i. so this is so many different. suppose this is n, इसको सिंपलीफाई करो x का वैल्यू दिस. ये n कब होगा जब x का वैल्यू n से n+1, इसलिए n+1 लिखा है. सो लाइक दिस. अभी देखो n इक्वल टू 0 1 2 के लिए जो वैल्यूज होता है ये सारे वैल्यूज हो रहा है n इक्वल टू 0 1 2 के लिए. अभी इसको डिफरेंट सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया. क्लियर, सो दिस इज दिस इज 0 से 1 बाई 9 पे 0 देगा, 1 बाई 9 से 2 बाई 3 पे 1 देगा. क्लियर, सो लाइक दिस. ये जो सारे वैल्यूज है ये सारे वैल्यूज यहीं पे लिखा है. ठीक है, इसको देखो ये तो 0 है. सो दिस इज 1 इंटू 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 9, 2 इंटू दिस 3 इंटू 10 माइनस 9. इसको सिंप्लीफाई करो 182 बाई 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9i इक्वल टू 182. नाउ आज का जो क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन है JEE Advanced का. लेट b be a non-zero real number. suppose this is a differentiable function such that f of 0 is equal to 1. if the derivative of these functions of f satisfies these equations then four options is there. देखो इसको यहीं पे लिख दिया f dash x by fx, इसको इंटीग्रेट किया दिस. अभी ये जो कंडीशंस गिवन है इसे अप्लाई करो. जब x इक्वल टू 0 है, x जब 0 है f of 0 1 log 1 0 है, ये 0 हो गया तो c का वैल्यू 0 हो गया. सो दिस तो fx इक्वल टू दिस fx into f of minus x obviously so that is equal to 1 है. क्लियर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जब b पॉजिटिव है वो भी इंक्रीजिंग है, b नेगेटिव है वो भी इंक्रीजिंग है. सो दैट इज a एंड c ऑप्शंस आर द राइट चॉइस है. ऐसे ही अमेजिंग सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.